Very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. So today we will be starting with unit 1 or unit 1 ka part 1 for BPAG 174, meaning, nature and scope of sustainable development. Right. I also post other courses and material. You can check my channel's playlist. I would be providing you the best interactive sessions with quality material. If you find them helpful, you can like, subscribe and share. आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, पीडीएफ्स वगैरह, और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में, डाउट फॉर्म में या मेल के थ्रू आप पूछ सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक करना हर सेशन का फॉर एनी ऑफ द अटैच लिंक और सोर्सेज. तो ये पर्टिकुलर यूनिट हम दो पार्ट में कम्प्लीट करने जाने वाले हैं. पहला जो पार्ट है वो आज आप देख रहे हैं अभी. सो वी वुड बी कम्प्लीटिंग द फॉलोइंग कंटेंट. So we would be starting with introduction, then we would be understanding the meaning of sustainable development, then nature of sustainable development, right? So let's start with today's content and see what's all here. Okay, so for I generally don't use my handmade notes or PDF stuff. I make my slides, but because the exam is too near, I need to wind up the things and I have limited time. So I made the PDFs, like these handwritten notes, and I will be using them because ye thoda jaldi ho jata hai. Slides banane mein ek session ke 3 se 4 ghante lag jate hain aur wo mere paas abhi ka time hai nahi, to main abhi isko I will be like trying to post the sessions in this format for these exams for the time being, right? So let's start. So introduction mein aaj hum dekhenge कि आपको यही नोट्स जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं आपको ये टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे. यू कैन एक्सेस थ्रू देम. ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमने जो है अपने रीथिंकिंग डेवलपमेंट वाले कोर्स में भी जाना था थोड़ा, और अब यहाँ पे हम इसको पूरा अच्छी तरह समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है ना, बेसिकली अगर मैं आपको जनरल उस पर बताऊँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट. ये वो डेवलपमेंट का एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर वी बेसिकली यूजेस द रिसोर्सेज जुडिशियली. हम जितने भी अपने आस पास नेचुरल रिसोर्सेज नेचर है उसको बहुत ही ध्यान से यूज करते हैं, सो दैट वी कुड फुलफिल आवर करंट नीड्स एंड वी कैन प्रिजर्व द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन टू. ओके, अगर हम बुक के हिसाब से चले या कंटेंट के हिसाब से चले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट. राइट, लेट मी जस्ट चेंज द कलर पेन. ओके, तो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस आपने सुना होगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत सारी कमीशंस होती हैं, वर्ल्ड लीडर्स होते हैं. ये सब क्या करते हैं, दे ऑल रिकॉग्नाइजेस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगर आप देखते हो कि ग्लोबल लेवल पे ये वो संस्थाएं हैं, संस्थाने हैं कि थोड़ा हिंदी में मेरा हो सकता है डिफिकल्टी, तो ये वो ग्लोबल लेवल पे इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ही अच्छी तरह पूरे वर्ल्ड वाइड वो एक तरीके से लोगों को अवेयर करते हैं और इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह काम करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आप देखते हो एक्सेसिव कल्टीवेशन, हद से ज्यादा कल्टीवेशन जब होती है, डिफॉरेस्टेशन जिसमें आप अनलिमिटेडली आप विदाउट एनी बैकअप आप ट्रीज की कटिंग करते हो, फिलिंग ऑफ वेटलैंड्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जब आपकी हद से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा जो है पॉपुलेशन की जो नंबरिंग है वो क्रॉस हो जाती है, अनजस्ट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन. बहुत बारी आप देखोगे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजन की वजह से आप ऐसे डिसीजन या ऐसे स्कीम्स निकाल देती है हमारी पॉलिसी मेकर जिसके थ्रू हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है डिग्रेड होते हैं, डिके होती है, और इस वजह से हमारे जो कैपेसिटी है उनकी यूसेज की, वाइस यूसेज की, वो डिप्राइव होने लग जाती है. ठीक है, आप देखते हो एक्सेसिव यूज ऑफ एनर्जी, लाइक फ्यूल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, हर एक फॉर्म में आप एनर्जी का हद से ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा, इन नीड से ज्यादा यूज करते हो, उसे वेस्ट करते हो. वी सी इंक्रीज्ड ग्लोबल पॉपुलेशन. आप देखोगे इंटरनेशनल ग्लोबली यू कैन सी की पॉपुलेशन इज लाइक अनकंट्रोलेबल दीस डेज. ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये सिर्फ लिमिटेड फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे लिस्टेड हुआ है. ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो पोल्यूशन, आप कुछ भी डाल सकते हो उसमें. ठीक है,
तो ये सारे फैक्टर्स इम्पेयर करते हैं या फिर डिस्टर्ब करते हैं हमारी ओरिजिनल कैपेसिटी ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू रिन्यू इटसेल्फ। सी, हमारा जो नेचर होता है ना, नेचर के अंदर आपको दोनों तरीके के रिसोर्सेस मिलते हैं, एक तो आपका रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। तो जो रिन्यूएबल होता है, जो वापस से जेनरेट हो सकते हैं, एक टाइम के बाद आपको वो दोबारा मिल जाएंगे, जैसे कि आपका ट्रीज हो गया, अगर आप उगाओगे तो यू विल बी गेटिंग दोस रिसोर्सेज। ठीक है, आपका मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो आपको बार बार ही मिलते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, लैंड, ये आपके पास है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, इनकी कैपेसिटी, इनकी जो क्षमता है वो गिर जाती है, कम लाइक डिक्रीज हो जाती है एक टाइम के बाद, अगर हम अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड करते हैं और वो एक टाइम के बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ इसलिए होता है बिकॉज वी बेसिकली अंडरगो अ प्रोसेस नेमली डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्स, अर्थ रिसोर्स, जिसकी वजह से आप देखते हो इंक्रीज अमाउंट ऑफ एनवायरमेंटल, दो टर्म आएगी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म, यहाँ पे एक तरीके से एक नई टर्म आपको देखने को मिलेगी जो हाईलाइट की गई है, एक तो एनवायरमेंटल रिफ्यूजी और एक सोशल डिसलोकेशन। ये तो जनरल लेवल पे आप देखते हो, बहुत ही जनरल लेवल पे है जो आप नॉर्मली लिख सकते हो। जब आप ये वाली दो टर्म यूज करोगे एग्जाम के अंदर, ये आपको एक्स्ट्रा एज देगा और एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ आपको इन डेप्थ नॉलेज है, और कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिलवा सकता है क्योंकि आपके ये आंसर को एडवांस लेवल पे जाएगा, नॉर्मल पे नहीं छोड़ेगा। ठीक, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप देखते हो जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड करते हो, उन्हें तबाह करते हो, उनका ध्यान नहीं रखते, तो आप देखते हो एनवायरमेंटल रिफ्यूजी। रिफ्यूजी वो होते हैं जो अपने एरिया से, अपने स्टेट से, अपने लोकेशन से, अपने नेशन से निकल जाते हैं, दूसरी जगह पे वो बाउंड्री पार हो जाते हैं और वो वहां पे अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास है एनवायरमेंटल रिफ्यूजी, ये वो लोग होते हैं जो डिप्राइव्ड होते हैं, जिनके पास अपने खुद का होमलैंड नहीं होता, खुद का घर नहीं होता, खुद की जमीन नहीं होती, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, क्योंकि वो जहां पर रह रहे होंगे वहां पे बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन उनकी वो प्लेस, उनका वो होमलैंड छिन जाता है, तो उनको हम कहते हैं एनवायरमेंटल रिफ्यूजी। ठीक है, जैसे फ्लड्स की वजह से जो होता है, फ्लड्स की वजह से पूरा का पूरा शहर खत्म हो जाते हैं, उसकी वजह से वहां पे जो लोग रह रहे होते हैं उनको इधर उधर भेज दिया जाता है, तो वो एनवायरमेंटल रिफ्यूजी है। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे सोशल डिसलोकेशन देखी जाती है, सोशल डिसलोकेशन इज ड्यू टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये हमारी 21st सेंचुरी जो भी चल रही है, इसमें इंक्रीजिंगली आप सोशल डिसलोकेशन भी देखते हो। ठीक है, तो ये दोनों की अकरेंस जो है वो आजकल इंक्रीज होती हुई दिख रही है, बिकॉज आज के टाइम पे आपको जो है आप डिग्रेडेशन की तरफ चल रहे हो, वी आर बेसिकली डिकेइंग आर नेचुरल एनवायरमेंट, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड सी। अब यहाँ पे जो है ये नोट्स ऐसे जाएंगे, बाउंड्री पार ये वाला हिस्सा अपना पहला है और ये वाला हिस्सा अपना दूसरा है। ठीक है, तो भाई पहले हम इसको समझते हैं। सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है ना, इसका ये जो है एक टाइम पे मेजर फोकस में रहा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न रहा था ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, यूएन के थ्रू एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, मीटिंग रखी गई थी एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर। इसका पूरा नाम होता है UNCED और ये ब्राजील में हुई थी जून 1992 में। ठीक है, और इसका जो मेन कंसर्न था, मेन जो इसका कंसर्न था, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसीलिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टॉपिक में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इनिशियली बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, इट एम्स टू प्रूव द ग्रेटेस्ट चैलेंजेस टू द वर्ल्ड। ये क्या कोशिश करता है, ये इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस या मीटिंग के थ्रू, एक जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना, जो ये बड़ी सा एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुआ, इसके थ्रू दे वर बेसिकली टारगेटिंग कि लोगों को, वर्ल्ड को पता चले कि व्हाट इज द करंट चैलेंज, द ग्रेट चैलेंज फॉर अस, जो कि दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक तो होता है पॉपुलेशन ग्रोथ,
पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जो हमारी पॉपुलेशन, हमारी जो जनसंख्या जो बढ़ रही है वो, और इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कंजम्पशन, हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है वो भी अब चेंज में दिख रहा है। पहले के टाइम के अगर आप लोग देखते हो इनिशियल फेजेस के, अर्ली फेजेस के, तो वो सिर्फ अपनी जरूरतमंद चीजों तक ही सीमित रखते थे, और बहुत सारे लोग तो अपने बेसिक नेसेसिटीज को भी फुलफिल नहीं कर पाते थे। आज के टाइम पे बिकॉज लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो गया है, लोगों को अब सारे वो चाहते हैं कि हमें कोई भी रिसोर्स छूटे ना, कोई भी तरीके का मटेरियल ऐसा ना हो जो उन्होंने ट्राई ना किया हो, उन्हें सब कुछ आगे से आगे मिले। तो आप देखते हो कि जो कंजम्पशन पैटर्न में जो है कुछ शार्प इंक्रीज दिखेगा, इंक्रीज होएगा कंजम्पशन में, लेकिन आप देखते हो कि लोगों की डिमांड बढ़ रही है, लोगों की डिमांड इंक्रीज हो रही है, पर हमारा जो नेचर है वो तो इस टाइम पे अपना लिमिटेड स्टॉक ही तो सप्लाई कर रहा है। नेचर की तरफ से जो आपके रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, वो एकदम से इंक्रीज नहीं हो सकते, वो बहुत करोड़ों साल लेंगे फिर जाके वो दोबारा से आपको रिसोर्स मिल पाएगा। सप्लाई जो है नेचर के थ्रू रिसोर्सेज का वो वहीं पे लिमिटेड है, वो अभी एकदम से ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हो रहा। जिस कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो कंजम्पशन पैटर्न बहुत तेजी से हो रहा है, इसकी वजह से भी आपको देखने को मिलेगा कि डिग्रेडेशन हो रहा है, लोग एक्सेस में यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से आपको डिवाइड भी दिखेगा कि कुछ लोगों के हाथ में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और कुछ के पास कुछ भी नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू प्रिजर्व आवर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन मुद्दा है कि वो आप जो है रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। ग्लोबल चैलेंजेस जो है, जो इंटरनेशनल या ग्लोबली होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन, स्पीशीज का लॉस होना, और बहुत सारे, ये बहुत ही ज्यादा क्लियरली आजकल हमें विजिबल है। ये इंट्रोडक्शन में था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है ना, जो ये जो वर्ड है, ये जो की पॉइंट है, इसको हमें दिया गया था। ये वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज बेसिकली कॉइंड या फिर गिवन बाय बराबर्रा वर्ड, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस हो सकता है, यू कैन टेल इट फ्रॉम गूगल ऑल्सो, ठीक है। शी वाज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन अर्ली 1970s। ये जो पर्टिकुलर लेडी थी जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टर्म है वो दिया था हमें, तो ये जो है फाउंडर थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ये फाउंडर थी इन 1970s। इन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अपना जो टर्म दिया था, तो इसमें इन्होंने कहा था, शी टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज इकोनॉमिक सोशल वेलबींग, कि आप जो है इंसानों की वेलबींग तक रखा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनके बेसिस पे, ठीक है, इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर। तो इन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग है, एंड अबाउट इक्विटी इन रिलेशनशिप विद अदर्स। हमारे जो आपस में रिलेशन है, हमारे जो सोसाइटी से, एनवायरमेंट से रिलेशन है, उसके बारे में इन्होंने बात की थी। शी फोकस्ड दैट एनवायरमेंट और सोसाइटी का जो इम्बैलेंस है, अगर गलत, इन्होंने कहा कि अगर गलती से एनवायरमेंट और सोसाइटी के बीच में, मतलब हमारी प्रकृति और समाज के बीच में अगर आपको इम्बैलेंस दिखेगा, ऊपर नीचे का हिसाब, एक रिलेशन दिखेगा, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी के ऊपर दिक्कत आ सकती है। बेसिकली इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो ज्यादातर इकोनॉमिक सेंस में थी, और हमने पढ़ा हुआ है कि इकोनॉमिक सेंस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इकोनॉमिक सेंस में नहीं रोक सकते। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक होलिस्टिक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक या कंसेप्ट है, ठीक है। फिर आते हैं दूसरे प्रोपोनेंट, बेसिकली अब क्या होगा, अब जो है और ज्यादा इंक्रीज फोकस दिखेगा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुद्दे पे। और इसकी शुरुआत हुई, जो एग्जैक्ट शुरुआत हुई थी वो हुई थी ब्रुंडन प्लान रिपोर्ट के थ्रू। ये पर्टिकुलरली एक रिपोर्ट निकाली गई थी, या फिर उसका जो दूसरा नाम है वो है रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसका नाम दिया था आर फ्यूचर, आई गेस कुछ ऐसे करके, ठीक है। इस रिपोर्ट के निकलने के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इंक्रीजिंगली फोकस डाला गया, ठीक है।
तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने जो है डिफाइन करा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ये उसकी डेफिनेशन है, जिसमें उन्होंने कहा कि द डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है विच इज रिक्वायर्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जेनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। उन्होंने कहा कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसके अंदर आप अपनी आज की प्रेजेंट दुनिया की प्रेजेंट लोगों की जरूरतों को पूरी करोगे और फ्यूचर के जो लोग हैं उनकी नीड्स को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, उनके लिए भी आपको रिसोर्सेस को बचा के रखना जरूरी है। यहाँ पर जो आप देखते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ये आइडिया शेयर किया गया वो एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट को बचाने से कई गुना आगे है। ये सिर्फ एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट को जो है हमारे सामने रखा गया। Here it is about a process. यहाँ पे ये सिर्फ एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन तक नहीं है, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ चेंज, बदलाव लाने का एक पूरा का पूरा प्रोसेस है ये, वेयर रिसोर्सेज यूज, यहाँ पे आपके जो रिसोर्स जो आपको मिल रहे हैं, आप यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करोगे, अपनी तरफ से योगदान दोगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो आएगी जब आप साइंस एंड टेक को यूज करोगे, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करोगे, नए नए इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस आपको जो है देखने पड़ेंगे, इन सारी चीजों को जब आप कंसिस्टेंट बनाते हो विद फ्यूचर, आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, टाइम चल रहा है, तो टाइम के साथ जब आप इन सारी चीजों को भी कंसिस्टेंट बनाओगे, इक्वल बनाओगे, स्टेबल बनाओगे, तब जाकर और साथ में आप प्रेजेंट नीड्स, आज की जो जरूरतें हैं उनको भी टैकल करोगे, देन ओनली यू वुड बी हेडिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रादर इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज वेयर यू नीड टू बैलेंस, यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन ऑल द थिंग्स, यू नीड टू मेक इट मोर कंसिस्टेंट एंड मोर डिफाइंड, राइट? सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड्स नॉट टू बी अ फिक्स स्टेट ऑफ हार्मनी, ये सिर्फ एक फिक्स स्टेट नहीं हो सकती, एक जगह पे स्थिर होने वाली एक पर्टिकुलरली आपकी पोजीशन नहीं हो सकती, सिर्फ यहाँ पे आप ये नहीं है कि आप हार्मनी के साथ जी रहे हो, रह रहे हो, रादर बी अ बैलेंस्ड एंड अडैप्टिव प्रोसेस ऑफ चेंज। एक बैलेंस चेंज होना जरूरी है हमारे समाज में टाइम के साथ, जिसको लोग अडैप्ट भी करें, उससे सहमति भी माने और वो चेंज भी आता रहे, ठीक है? ग्लोबल एंड लोकल इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, आप देखते हो ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और लोकल आमतौर पर भी, आप एनवायरमेंट जो हमारा डिग्रेड हो गया है, खत्म होता जा रहा है, इसका असर आपको ग्लोबल ग्लोबल और लोकल लेवल दोनों पे देखने को मिलेगा, ठीक है? तो देखते हो इसकी वजह से क्या होता है, देर इज इंक्रीज्ड यूज ऑफ टर्म, इसकी वजह से आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ज्यादातर लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो टर्म है वो हर जगह पे यूज करने लग गए हैं, इन वेरियस अलग अलग, आप देखते हो अलग अलग पॉलिसीज में यूज किया जाता है बाय पॉलिसी मेकर्स, ठीक है? स्टिल अभी भी अब वो इतना, ये टर्म भले ही बहुत ज्यादा यूज हो रहा हो लेकिन रियल में उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, उसका जो रियल मीनिंग है, लोग वो समझने में चूक जाते हैं। दिस इज बेसिकली विजिबली लैक इन इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्यूरेट एंड जस्ट मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बोथ इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सिस्टम्स, जो हमारे इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल सिस्टम्स हैं, पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर है, नीड अ सर्टेन मिनिमम थ्रेशोल्ड, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी तक रखना उनको जरूरी है, दोनों ही एनवायरमेंट और इन इकोनॉमिक सिस्टम को बैलेंस में रखना जरूरी है, सो दैट वी हैव पर्टिकुलरली द वैल्यू ऑफ सर्वाइवल, हम अच्छी तरह बेसिकली अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करता है। अब देखते हैं नेचर ऑफ स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का नेचर क्या है। सी, फॉर फ्यूचर जनरेशन हमें जरूरत है एक पर्टिकुलरली नीड अ पैशन, आई थिंक अभी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक, पैशन अ फुल, अच्छा हाँ, पास ऑन, नीड टू पास ऑन, जल्दी जल्दी भी थोड़ा सा गैप छूट गया, यहाँ पे गैप है, आप जो है सीधे डायरेक्ट नोट्स पर लेना, पहले वीडियो को हमेशा जरूर पूरा देखना, उसके बाद नोट्स पर देखना, फिर आपको बाय चांस ऐसी कोई सिली मिस्टेक होगी तो आपको दिख जाएगी, यहाँ पे गैप है, ठीक है? हेयर इज अ गैप,
सो फॉर फ्यूचर जनरेशन वी नीड टू पास ऑन अ फुल रेंज ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल. हमें अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए जरूरी है कि हम उनको एक ऐसा ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल या फिर एक नेचुरल रिसोर्सेस उनको दे के जाएं जिससे कि उनकी आगे जाके जो है वेलफेयर चलती रहे. जिस रेंज पर आप अभी लाइफ गुजार रहे हैं, आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो सब कुछ मेंटेन्ड है. इसीलिए हमें जरूरत है, वी नीड टू टैकल दिस थिंग एंड लीव अ इनफ क्वांटिटी ऑफ फिजिकल ह्यूमन कैपिटल अलॉन्ग विद नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन कुड सर्वाइव लाइक वेल और इन अ वेल कंडीशन. द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड्स ट्रू फंडामेंटल चेंज इन थिंकिंग. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इन्वायरमेंट को बचाओगे, अपनी इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दोगे या इन्वायरमेंट के हिसाब से इकोनॉमी को चलाओगे. इट ऑल्सो रिक्वायर्स कि आपकी जो थिंकिंग है ग्राउंड लेवल पे, जो लोगों की सोच है, उनका जो बिहेवियर है, वो भी चेंज हो. क्योंकि अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखते हो तो जो पर्सन होता है या जो भी इंसान होगा, वो अपनी तरफ से जब तक एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेगा और उसका माइंडसेट ठीक नहीं होगा, तब तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्लीटली अचीव नहीं हो पाएगी. पॉलिसी मेकर्स व्हाइल मेकिंग डिसीजंस, जब पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, सारे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जब वो डिसीजंस बनाते हैं, दे शुड यूज डेटा. उनको वो डेटा, वो हर पॉलिसी एक डेटा के ऊपर पहले वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, फिर अपना डिसीजन बनाते हैं. तो हमें इट इज रिक्वायर्ड कि पॉलिसी मेकर्स जो है वो डेटा यूज करे जो कि रिफ्लेक्ट करे. आपका जो डेटा आप यूज कर रहे हो डिसीजंस बनाने में, वो इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि आप जो है अभी तो पॉलिसी बना रहे हो, पर वो फ्यूचर के लोगों के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए. उसके अंदर आप ट्रू कॉस्ट ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन फॉर लॉन्ग टर्म शुड बी क्लियरली विजिबल. ये दिखना चाहिए कि आप लंबे दौर पे, अभी थोड़ी देर के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आपकी वो जो पॉलिसी है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सही है कि नहीं. डेटा शुड नॉट फेवर द शॉर्ट टर्म नीड्स. आज की जरूरतों को पूरे करने के बेसिस पे पॉलिसीज को नहीं बनाना चाहिए. रादर मस्ट टेक अकाउंट ऑफ फ्यूचर नीड्स. आने वाले टाइम के हिसाब से हमें जो है पॉलिसीज को डेवलप करना चाहिए. सिरी केसी वैन ट्रम्प ने जो है स्ट्रेस दिया, फोकस डाला ऑन द यूज ऑफ सेफ मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बाय अवॉइडिंग ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ एनवायरमेंटल क्रिटिकल जोन्स, बाय लिमिटिंग अन इकोनॉमिकल ह्यूमन एक्टिविटीज दैट एनकरेजेस एनवायरमेंट डिग्रेडेशन. हमारे ये जो पर्टिकुलर पर्सन यहाँ पे लिखे हैं, इन्होंने कहा कि आप जो है मिनिमम लेवल पे, छोटे छोटे स्तर पर आप कोशिश कर सकते हो कि आप कंजर्व कर पाओ हमारे रिसोर्सेज को, ठीक है, बाय अवॉइडिंग. पर आपके आपको उसके लिए ओवर एक्सप्लोटेशन जो हम नेचुरल रिसोर्सेज का करते हैं वो हमें बंद करना पड़ेगा. हमें अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर भी चेक कर रखना पड़ेगा सो दैट द एनवायरमेंट डज नॉट गेट डिग्रेडेड. राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड ऑन बोथ लेवल. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक सिस्टम पे भी और एनवायरमेंट सिस्टम दोनों के ऊपर, दोनों के बेसिस पे ही बनना या फिर उसका निर्भर होता है. इट बेसिक रिकॉग्नाइजिंग द इंक्रीजिंग डिफिकल्टी. आज के टाइम पे जो है जितनी डिफिकल्टीज आप देखते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर, वर्ल्ड कमीशन नोटेड. तो वर्ल्ड कमीशन ने जो है नोटेड सर्टेन मेजर्स फॉर द सक्सेस इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. उन्होंने कुछ मेजर्स निकाले जिससे कि हम सोशल चैलेंजेस को भी टैकल कर पाए और अपना आगे भी काम चला पाए. राइट, तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स जो हम आगे ले जा पाएंगे. यस, सो द सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट रिक्वायर्स दैट एनवायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेटर्स एम एट. जरूरी है कि अगर आपको सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करनी है, वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ सस्टेनेबिलिटी अचीव करनी है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो आपको संभाल रहे हैं, आपके देश को संभाल रहे हैं, दे शुड एम एट इन चीजों के ऊपर वो ध्यान दें.
फर्स्ट है ये डायरेक्ट मैंने बुक से लिया है क्योंकि डायरेक्ट क्रिस पॉइंट है, इसमें कुछ और छोटा नहीं हो सकता. सो फर्स्ट इज मेंटेनिंग इकोसिस्टम एंड रिलेटेड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस. हमारी जो बायोस्फेयर की फंक्शनिंग के लिए जो पर्टिकुलर सिस्टम्स, इकोसिस्टम और उनका जो प्रोसेसेस है उनको मेंटेन करके रखना, ठीक है. सस्टेनिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो आपके लैंड के ऊपर, आपके नेशन के अंदर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो एग्जिस्ट करती है उनको संभाल के रखना, उनको प्रिजर्व करना, उनको वो पर्टिकुलर हैबिटेट देते रहना. बाय इंश्योरिंग द सर्वाइवल एंड प्रमोटिंग द कंजर्वेशन इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा और फोना लैंड, सॉरी प्लांट और एनिमल की पूरी के पूरे किंगडम के अंदर आपको अलग अलग तरीके के जीव जंतु दिखेंगे, बायोडाइवर्सिटी दिखेगी, ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन सबको उनका नेचुरल हैबिटेट देना, वो नेचुरल एनवायरनमेंट देना जिसके ऊपर, जिसके अंदर रहकर, इन विच दे फील सेफ एंड दे कैन सस्टेन देयर लाइफ, राइट. ऑब्जर्विंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिमम सस्टेनेबल यील्ड इन द एक्सप्लोइटेशन ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम. हमें जो है ऑप्टिमम सस्टेनेबल यील्ड के एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही हम जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेस और इकोसिस्टम से आउटपुट निकाल सकते हैं. उस पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर हम उन रिसोर्सेस को या इकोसिस्टम को यूज करते हैं तो वो एक्सप्लोइटेशन के दायरे में चला जाता है. इस चीज को समझना और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर्स. वी नीड टू प्रिवेंट और अबेटिंग सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन और हार्म. एनवायरमेंट को पोल्यूट करने वाले वो पर्टिकुलर प्रोसेस को हमें प्रिवेंट कर देना है, एबॉलिश कर देना है. एस्टैब्लिशिंग एडिक्वेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स. हमें जो है वो एडिक्वेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स तैयार रखने हैं जिनके रेखा बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तक ही हमें अपने आप को मोल्ड अप करना चाहिए. उसके आगे दो स्टैंडर्ड शुड नॉट बी बेसिकली डिनाइड बाय द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग और प्रोटेक्शन प्रोडक्शन प्रोसेस. कोई भी अगर आपकी चीज चल रही है, अंडरटेकिंग और रिक्वायरिंग प्रायर असेसमेंट टू एंश्योर दैट मेजर लॉज, पॉलिसीज, प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजीज कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमें ये ध्यान पहले से रखना पड़ेगा, प्रायरली हमें ये एनालाइज करके रखना होगा कि कौन कौन से लॉज, पॉलिसीज, स्कीम्स, टेक्नोलॉजी और कौन कौन से प्रोजेक्ट हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अच्छे हैं और कौन कौन से उनके लिए नेगेटिव साबित हो सकते हैं, ठीक है. इसीलिए हम देखते हैं बहुत बारी ऐसे डैम मेकिंग प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी स्कीम्स निकलती है जो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं होती है, और इस वजह से बहुत सारे एनजीओज वगैरह भी उनके लिए रिवोल्ट के लिए खड़े होते हैं, ठीक है. मेकिंग ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक विदाउट डिले इन ऑल केसेस ऑफ हार्मफुल और पोटेंशियली हार्मफुल रिलीजेस ऑफ पोल्यूटेंट्स, स्पेशली रेडियो एक्टिव रिलीजेस. ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी चीज से जुड़ी हुई है जो एक हार्म पहुंचा सकती है या वो हार्म रखने की क्षमता रखती है, उसके थ्रू पॉल्यूटेंट हमारे एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं, उसके बारे में जो नॉर्मल सिटीजन है उनको बता देना चाहिए, उनको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. इतनी लेवल पे ट्रांसपेरेंसी आपको अपने नेशन स्टेट अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखनी जरूरी है, राइट. लास्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज सर्टेन मोर मोर पॉइंट्स कि एट रियो समिट 1992 में जो है एक रियो समिट हुआ था रियो द जनेरियो के लाइक लोकेशन पे, तो वहां पर जो है ब्रुनलेट की जो रिपोर्ट के थ्रू एक हमने डेफिनेशन पीछे पड़ी थी उसको जो है क्लियर माना नहीं था. उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर ब्रुनलेट की जो रिपोर्ट है इसके अंदर डेफिनेशन है जो व्यू है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो कहीं ना कहीं लैक करता है, उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी है. तो इसी वजह से वर्ल्ड बैंक के एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने नई डेफिनेशन जी दी हमें लाइक प्रपोज करी, और उसके दो पार्ट है. पहला पार्ट तो है आउटपुट गाइड और एक है इनपुट गाइड के बेसिस पे. तो आउटपुट गाइड के बेसिस पे उन्होंने कहा कि जो वेस्ट एमिशंस हैं जो आपका बाहर निकलते हैं, आउटपुट से आप समझते हो जो आपका फाइनल लाइक फाइनल जो आउटपुट निकला हुआ निकलेगा उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो आपको जो है वेस्ट एमिशन जो भी लाइक स्मोक के फॉर्म में निकल सकता है आपका जो आउटपुट है, ठीक है, आपका कोई केमिकल आप रिलीज कर सकते हो,
टॉक्सिक टॉक्सिक लाइक सब्सटेंसेस रिलीज कर सकते हो, अपना कोई प्रोडक्ट रिलीज आउट कर सकते हो. तो वेस्ट एमिशंस, जो वेस्ट निकलता है, शुड बी विद इन द एसिमिलेटिव कैपेसिटी ऑफ द लोकल एनवायरनमेंट विदाउट डिग्रेडेशन. उन्होंने कहा कि आप किसी भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री का, कोई भी आपकी संस्था है जो प्रोडक्शन करती है किसी भी चीज की, तो अगर वहां से जब आपका वेस्ट रिलीज आउट किया जाता है, तो वो उतने ही लिमिट में होना चाहिए, उसकी उतनी ही जो है लाइक वो उतना ही वेस्ट होना चाहिए जो आपके उस आसपास के एरिया का एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है, वो जितना उसको लाइक रिसाइकल करने में हेल्प कर सकता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आप वेस्ट को वहां पे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते. इनपुट गाइड क्या रहेगी कि हार्वेस्ट रेट्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी विद इन नेचुरल रीजेनरेटिव कैपेसिटी. उन्होंने कहा कि जो जो रिन्यूएबल सोर्सेज है, जहाँ से हम रिन्यूएबल सोर्सेज, वो सोर्सेज जहाँ जहाँ से हम वो रिसोर्सेज ले सकते हैं जो बार बार ही दोबारा से आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जो हमें मिल सकते हैं. ठीक है, तो आप उनको, उनका जो हार्वेस्ट रेट है, आपको वो एक पर्टिकुलर रीजेनरेटिव, वो कितने रेट पे, कौन से रेट के ऊपर वो पर्टिकुलर रिसोर्स दोबारा से हमारे एनवायरमेंट में उसका उत्पादन हो सकता है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, उस बेसिस पे ही आप उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर रिसोर्स का जो है रेट रखोगे. मतलब डिप्लीशन रेट ऑफ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रेट एट इज इक्वल टू रेट एट विच रिन्यूएबल डेवलप्स. ठीक है, सो ये पर्टिकुलर हमने जो है अपने डेफिनेशंस को देखा. ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे. सेकंड पार्ट इसके बाद आपको मिल जाएगा. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय.